हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर सुरेखा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे पास कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स कि आप शॉर्ट्स बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाया कीजिए। तो आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ, डिसमिनोरिया से रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। डिसमिनोरिया मतलब पीरियड में होने वाला दर्द। ये दर्द इतना भयानक होता है कि कभी कभी लड़कियों को सहन नहीं होता है, उनको पेन किलर लेनी पड़ती है। तो आइए इसके लिए जान लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सिमिसिफुगा। ये कब लेनी है? ये तब लेनी है जब आपको पेन फ्लो के साथ बढ़े और आपका पेन एक साइड से दूसरी साइड चला जाए। मींस पूरे लोअर एब्डोमन में आपको पेन है और आपका पेन फ्लो के साथ बढ़ रहा है, तो आपको सिमिसिफुगा 200 की एक एक बूंद हर 3 घंटे में गुनगुने पानी में डालकर लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन इज एरिजिरोन कैनाडेंस क्यू। इसकी 5-5 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में डालकर आपको हर 3 घंटे में लेनी है। ये तब लेनी होती है जब आपको लेफ्ट साइड में पेन हो, ओवेरियन रीजन से पेन आपके बैक साइड में हिप रीजन तक जाए, तब आपको ये मेडिसिन लेनी है। थर्ड मेडिसिन है मैगफोस 6X। मैगफोस 6X कब लेनी होती है? जब आपको इतना पेन हो कि क्रैम्प्स आए और आपको आगे मुड़ने पर यानी प्रेशर से आपको आराम आए, तब मैगफोस 6X की 4-4 गोली आधा कप गुनगुने पानी में डालकर आप इसको हर 3 घंटे में लें। तो डेफिनेटली जो ये पेन आपको पीरियड वाला है, इससे आपको रिलीफ आएगा। धन्यवाद। मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे चल के बताएं कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।